रोहतास जिले के डीएम धर्मेंद्र कुमार ने सदर अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बात कर उनका हालचाल भी जाना। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सदर अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया नहीं हो रही है, इसी वजह से उन्होंने अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला भी बढ़ाया और सभी को कोरोना से बचकर अपने काम करने की सलाह दी। बेसिकली क्या है, जितना मेरे पास रिसोर्सेज है उसके हिसाब से जो भी मैक्सिमम हो सकता है यहाँ के डॉक्टर स्टाफ हमारे दे रहे हैं। रात्रि में देख सकते हैं यहाँ 70 आसपास में रोगी हैं। यहाँ पे SpO2 का लेवल देखिएगा तो 45 है, 65 है, 70 के आसपास है। तो हम लोग यदि उनको हायर स्थानों पे यहाँ से भेज भी रहे हैं तो वो लोग का ही रिक्वेस्ट है कि सर यहीं रखा जाए, नहीं तो रास्ते में ही डेथ हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों के बाद भी जितने भी डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, वो मैक्सिमम दे रही हैं अपना, और लोगों से एक्सपेक्टेशन होगा कि लोग सहयोग करें। साथ ही साथ जितने संक्रमित लोग हैं उनसे एक आग्रह है कि आप लोग अपना SpO2 का लेवल जो है लगातार देखते रहिए। हो क्या रहा है कि जैसे ही आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन होता है तब आप अस्पताल आते हैं। आपके द्वारा होना क्या चाहिए कि आपका लेवल 90 के आसपास से डाउन होता है उसी टाइम अस्पताल आइए, लेकिन वो जो डीले कर दे रहे ना उसके ही रीजन से यहाँ पे स्थितियाँ जो है ठीक नहीं हो पा रही हैं। कहे तो मरीजों का जहाँ तक स्वास्थ्य की लापरवाही की बात है तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे एक डॉक्टर का डेथ भी हो चुका है, हमारे 8 जो हैं डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, बहुत से स्टाफ हैं, हेल्थ के मतलब बहुत से सीनियर अधिकारी हैं वो भी संक्रमित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो भी रिसोर्स पे रहा उसके द्वारा डॉक्टर साहब लोग, सिविल सर्जन साहब लोग मैक्सिमम दे रहे हैं अपना। ठीक अच्छा है ही यहाँ पे रेस्ट हम लोग थोड़ा सा फोर्स